आते हैं इनटू टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर और टी अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, कि अगर आपने आर को डबल किया तो भी साधारण ब्याज डबल हो जाएगी, अगर आपने टी को डबल किया तो भी साधारण ब्याज डबल हो जाएगी, अगर आपने आर को डबल करा और टी को आधा कर दिया तो साधारण ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि एसआई कांस्टेंट रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि एसआई कांस्टेंट रहे कांस्टेंट और आपका पीवी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपको आरटी को कांस्टेंट रखना है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। और आरटी कांस्टेंट रखने का मतलब है कि अगर आप आर को बढ़ाएंगे तो टी को उसी अनुपात में घटाना पड़ेगा, अगर आपने आर को डबल किया है तो टी को आधा करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जो सवाल के बीच में आएंगी तो मैं बताता रहूँ।